अल्लाम मैं हूं शेख जबरार जावा आपका अपना अस्ट्रॉजर हमदर रब्ज़त की उर्दोस्लम महमदाल महमदा महमदौ महमद लियो वीकली और उसको ट्वेल्थ टू एटीथ नवंबर आपका ये हफ्ता कैसा गुजर लियोज उम्मीद करता हूँ मुफल आप खैरियत से होंगे इस हफ़्ते की इब्तदा जो है वो मैं लास्ट वीक की लास्ट डेट अलेवन से करना चाहूँगा चूँकि मैंने आपको बताया था कि कमर तर अकब है ग्यारह नवंबर को ग्यारह बारह तेरह तीन दिन यानी ये बिल्कुल जॉइंट एडवेंचर है सो आ, मैं आपको स्ट्रॉगली कहूँगा कि दो किलो चावल आटा या दूध का सदका पहली फुर्सत में दीजिए ये वीडियो आपके पास पहले आ गई आपने कब देखी लेकिन मैंने पिछली बार भी जिक्र किया सो so, इसको आ, कोशिश कीजिए कि आप बर वक्त जो है वो सदका ज़रूर दिया करें इसके लिए आप हमारी जो सोशल मीडिया के पेजेज़ हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे प्रॉपरली पोस्टें होती हैं कि कमर दर अक्रब कब है बाकी इवेंट्स कब हैं यूट्यूब के कम्यूनिटी सेक्शन और बाकी सब जगह पे ये चीज़ें बताई जाती हैं मून जो कि आपके जायचे के बारहवें घर का लॉर्ड है चौथे घर में जो है इसको हबूत होगा तो ये जो है वो थोड़ा शो सा शो करता है कि कुछ हिडन एनिमीज़ कुछ जो हैं जो आपके आ, ऐसे मुखालफ जो कि आपके सामने आना पसंद नहीं करते बैक बाइटिंग करते हैं ना एबिलिटीज होती हैं वो आपके जायचे के चौथे घर में अगर आ, है तो इसका मतलब आपका घर आपकी फैमिली के मैटर्स में, में इंटरफेयर करके घर के माहौल को डिस्टर्ब कर सकते हैं ठीक किसी तरह आ, किसी के भड़काने पे आपकी वालदा के साथ आपका रिलेशनशिप वो भी डैमेज हो सकता है ये तीन दिन घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली या ख़रीदो फरूज से आपको कतई तौर पे जो है वो गुरेज करना चाहिए चाहे आप पाकिस्तान में हो चाहे आप पाकिस्तान से बाहर हो यही तीन दिन इमिग्रेशन अप्लाई करने से गुरेज कीजिए इमिग्रेशन के वाले से कोई अपील है तो उसको भी ये तीन दिन अवॉइड कीजिए मामले को लिंगर ऑन कीजिए किसी भी तरीके से और आगे चल जाइए अच्छा एक पार्ट बड़ा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जो हमारे इस वर्ड के साथ एक पैरल वर्ड चल रहा है जिसको हम कहते हैं स्परिचुअलिजम बारवा घर आपकी रूहानी कुतों का भी है आपके लाशूर का है तो उसका लॉर्ड अगर नेगेटिव पोजीशन में होगा तो डेफिनेटली वहाँ आपको वहाँ पे कुछ डैमेजेस का सामना करना पड़ता है सो तीन दिन ये ख़ास तौर पे अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल कीजिए जो लाशरी तौर पे सम टाइम आपने देखा होगा कि एक बंदा खम खाई ड्राइव तेज करना शुरू कर देगा बहन भाइयों के साथ वगैरह के साथ कुछ वो, वो वो टाइड फील कर रहा था अच्छा कई बार बंदे को ख़ुद भी समझ नहीं आ रही होती ये सब क्यों हो रहा ये, ये प्लेनेट्स है ये यही प्लैनेट्स के हैं मेरी आज गुफ्तु हो रही थी ए, एक बेटी से तो मैंने उसको कहा था कि ये प्लैनेट्स के जो है स्विंग्स हमारे ऊपर बड़े ज़बरदस्त इम्पैक्ट आते हैं मिसाल के तौर पर जब हम मदर जसर देखते हैं जो कराची के में आप समंदर को देखते हैं तो वो क्या है मून की वाइब्स हैं जो उसको जो है वो समंदर को जो है वो उसमें मदो पैदा करती हैं उसमें तलातुम आते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी जो शकील चीज़ है समंदर तक को जो अपने ठहराव के ऊपर बड़ा जिसको माना जाता है कि भाई ये बंदा समंदर की तरह गहरा है ठहराव है इसमें उसमें तलातुम ले जाता है तो क्या इंसान की ज़िंदगी पर उसके कोई इम्पेक्ट नहीं होंगे डेफ़िनेटली होते हैं सिर्फ इतनी बात है कि हम उनके बारे में जानते नहीं हैं और जो नहीं जानते वो इस चीज़ का इनकार करते हैं तो बड़ी वाजह है आप जाएँ कराची देखें या आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं आप उसको देख सकते हैं कि चांद की चौदह को समंदर जो है वो आपको बिफरा हुआ नज़र आएगा आपको उसमें लहरों का जो है वो त्ररातुब नजर आएगा और जब आप आखिरी तारीखों में जाएंगे तो बिल्कुल आपको ठहरा स्मूथ नज़र आएगा ये ये चीज़ें हैं जो तो आपको देखें और आ, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आप कोई कभी शुरा के देखें ना, तो उसमें भी चौदह के चांद का और कि ये चीज़ें जज्बात को इमोशंस को प्रमोट करती हैं सो ये आपके लिए एक बहुत ही अहम वक्त होगा ख्याल कीजिएगा अपने रूहानी मामला पे और कई बार ऐसा होता है कि इलाज बिल जिद भी करना पड़ता इलाज बिल जिद है इलाज बिलजिद से ये है आप अगर देख रहे हैं कि ये टाइम में आपको रूहानी डैमेज हो सकते हैं ख़ुदा न खासा तो आप रूहानियत की तरफ ज़्यादा मतवज हूँ ज़्यादा जिक्र करें ज़्यादा ख़िलबत में बैठें अपने परवरदिगार से इसके हवाले से मदद मांगें ताकि ये मामला जो है वो रिमूव हो जाए जितनी भी ये चाँद हो शम्स शम्स वकमर हो आप कोई भी सारा हो आपका जपिटर हो सटन हो ये मेरे परवरदिगार की मखलूक है तो जब आप खालिग से अपना रा मजबूत कर लेते हैं तो मखलूक से डरने की ज़रूरत नहीं होती उससे मदद आप मांग के तो उसके किरदार को कोतल कर सकते ये एक छोटी सी चीज़ जो आपके लिए आप इसको देखिए अच्छा पिछली वीडियो में जो है वो आ, मेरे साथ कमेंट्स थे लियो वाली की वजह से अपने लियोअल को कहा कि आप अपनी जो है डिस्कस कर सकते हैं बहुत सारे लोगों ने अपने जो मैटर्स थे उनको डिस्कस भी किया कंडीशंस को भी डिस्कस किया तो आ, उसी में था कि गुजशतर दो माह बहुत तकलीफ दे थे यकीनन यकीनन यकीन ऐसा ही होगा चूँकि छठे का लॉर्ड आपका सातवें का लॉर्ड जायचे के आठवें घर में जो है ये रिजत पजीर था जोहल और आठवें घर का लॉर्ड जो जहनी दबाव को आपको देखता है जो मेंटल स्ट्रेस को देखता है ये ऑलरेडी आपके जुपिटर ये भी रेट्रोग्रेड ये स्टिल रेट्रोगेट है बट सेटर्न के रेट्रोग्रेड आठवें घर में होने सेहत के मामला हादसा आपकी जॉब आपके दीगर मैटर्स इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आए और चार नवंबर को जब ये स्टैंड बाय हुआ है तो डेफिनेटली उन नेगेटिव इम्पेक्ट में कमी वाकया होगी लेकिन ये मत सोचिएगा कि आ, ये मामला ख़त्म हो गया ये तो अगले बहुत टाइम चलेगा चूँकि सेटन ने यहाँ पर तकरीबन दो जून तक रहना है सो आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपने जवाजी मामला अपने सेहत के मामला बिलखसूस सेहत के मामला अपनी जॉब अपनी आ, जो है वो शरकत दारी के मामला आपके वरास्ती मामलों आपके इंप्लॉयज़ से पहुंचने वाले आपके नुकसान इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत होगी तो ये इस वजह से गुजरे मैंने आपको पहले भी कहा था आज फिर कहूँगा 800 ग्राम काले माश का सदका हर हफ्ते देना अपना मामूल रखिए ताकि आप इस नेगेटिव पोजीशन से जो है वो महफूज रह सकें इसने आप लोगों को बड़ी डीप थाट्स और बड़े फीयर्स का शिकार भी किया होगा डिफरेंट काइंड ऑफ फीयर्स जो हैं वो इसकी वजह से आते हैं बिल्कुल आते हैं तो आप उसको सदक़े के किस ज़रिए क्लियर कर सकते हैं दुआ दुआरदनुसत शर्गन पढ़िए अगर आप इसको मज़ीद बेहतर करना चाहें तो अपने हाथ में एक हदीद पहनिए हदीद आपको फीर्ज से फिर लेस करेगा और मज़े की बात यह है कि ये बड़े ही कम कॉस्ट का जो है वो स्टोन है इससे मुझे याद आया कि तमाम स्टोन्स पे हमारे जो वेबसाइट है जावाजम डॉट कॉम उसके ऊपर जो है उसे लग चुकी है ग्यारह नवंबर से अट्ठारह नवंबर आप इससे मुस्तफ हो सकते हैं अपने लिए अपनी फैमिली के लिए क्योंकि ये तमाम स्टोन्स के ऊपर है यूजली मैं आपको कहता हूँ तो जी आप रूबी पहने याकूद पहने ये या आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फवाद का हामिल होगा मैं आज भी कहूँगा लेकिन इसके साथ अगर आप हदीत पहनेंगे तो वो सेटन को वो एक खास सेक्टर को जो है वो बेहतर बनाने में आपको मदद देगा आ, दूसरी बात मैं अभी कहूँगा कि यह आपका अपना चैनल है इसके ऊपर अगर आप कमेंट्स करेंगे बताएंगे या शेयर करेंगे आपके अपने आ, मेरे साथ अगर कोई चीज़ें डिस्कस करेंगे तो मैं उनको हाईलाइट करूँगा बताऊँगा कि जी आपके ये मामला किस वजह से हैं और उनका हल क्या है जैसे आज, आज आपने सचन पर बात की सो कमेंट्स भी किया करें चैनल पर दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लें और इसको शेयर किया करें ताकि सब लोग इससे जो है मुस्फिद हो सके कमर तरक्ट के बाद अगली चीज़ जो है सन आपका अपना रूलिंग प्लेनेट जाएचे के चौथे घर में मौजूद है जब ये चौथे घर में मौजूद है तो ये पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप को काफ़ी बेहतर करेगा आपका फोकस बहुत ज़्यादा करवाएगा अपने खान की मामला की तरफ घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली खरीदो फरोख्त माशरती इकदारमाशरा आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं वहाँ पे छोटे भाइयों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा क्योंकि मार्स अपने घर में मौजूद है हालांकि चौथे घर में मार्स बहुत अच्छा नहीं काउंट होता लेकिन अगर वो साइन ऑफ स्कॉर्पियो में है तो इट्स मीन कि वो आपके लिए बेटरमेंट जो है वो देगा यहाँ पे आप बड़े फोकस्ड होंगे और सन ऑलरेडी जो है वो बहुत करीब जा चुका मार्च के 18 नवंबर को ही इनका कंजक्शन भी होगा ये यहीं पे जो है वो मिलेंगे भी तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो आपकी आगे की तरफ बढ़ना शुरू होंगी आपका पूरा फोकस इस सेक्टर पे होगा एंड मुमकिन है कि इस हफ्ते में आप घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली या खरीदो फरूद का फैसला करें बट उसको थर्टी के बाद कीजिएगा ताकि वो कमर दर अक्रब का जो है स्पेल वो गुजर जाए और इसकी ड्यूरेशन क्या है कितने बजे तक है ये सब कुछ अगर बारीकी के साथ देखना चाहें तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जितने भी हैं फेसबुक हो गया यूट्यूब हो गई इंस्टा हो गया यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पर स्टेटस भी लगते हैं सब कुछ होता है या जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं हमारे पास उस पर भी अपडेट जो है वो हम आपको देते हैं न्यू मून भी यहीं पे होगा आपकी डीप थॉट्स आपका स्पिरिचुअलिटी ये भी इस हफ्ते में यहीं पे होगा सो चौथे घर में ये अगर न्यू मून होगा तो अगले कुछ दिन आप खानगी मैटर्स के ऊपर भरपूर जो है वो इन्वॉलमेंट भी रहेगी लाशोरी तौर पे आपका इस साइड पे जो है फोकस रहेगा इन और वालदेन के साथ आपका रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में आपको मदद मिल सकेगी इसके बाद मरकरी जो कि आपके ग्यारहवें का लॉर्ड है आपके दूसरे का लॉर्ड है पाँचवें घर में आ गया आप अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपने टारगेट्स को फिलअप करने के लिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो बेहतर बनाने के लिए एक से ज्यादा कामों की तरफ तरज वो चलेंगे आप अपने विजडम की अपनी वजदानी कैफियत को जो है वो कॉल लेके उससे तो अपने मामला को बेहतरी की तरफ तरज वो लेके जा सकेंगे आप इसके ऊपर भरपूर तरीके से काम कर सकेंगे नॉलेज गेन करेंगे कुछ अनयूजल जो रूटीन के बैटर्स हैं उससे हट के अपनी पॉलिसीज़ को आप कुछ मुरतब करते नजर आते हैं मुझे और दो सब आपसे बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहेगा लव लाइफ में आपको यहाँ पे बेटरमेंट मिलेगी मरकरी के पांचवें हिस्से में आने से इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में आपको बेहतरी मिलेगी चाहे वो आपका बेसिक का हो या आपका स्किल बारह से चौदह की एजुकेशन हो इन तमाम मामला में जो है वो आपको बेहतर मिलेगी वैसे मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि एजुकेशन के हवाले से तीसरे में वीनस मौजूद है वो भी बेसिक एजुकेशन भी बेहतर है मिड सेक्शन की भी और स्पेशलाइजेशन से मुतलक सियारा भी अपने घर में मौजूद है तो ये तमाम सेक्टर आपके जो हैं वो बिल्कुल ओपन है पाँचवें घर से मुतलका ही सवाल जो है मुझे एक किया गया था जी कि बच्चे कब होंगे उसमें कुछ था कि इतने देर टाइम से शादी भी हो चुकी है देखें मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंडिविजुअल मैटर होता है तमाम लियोस के लिए जो है वो एक जैसी सिचुएशन नहीं है तमाम लियर्स खुदा खास्ता खुदा खास्ता औलाद की नमत से महरूम नहीं है या वो मुतकाजी नहीं है उनका तकाजा नहीं है वो मुतमिन है ठीक है जितनी अल्लाह ने जो है वो रहमत और नमत से नवाजना था वो नवाज चुका ओके तो इसके लिए आपको इंडिविजुअल की तरफ जाना चाहता है अलबत्त जो जनरल है उसके लिए मैं बताता चलूँ चूँकि आपके पाँचवें घर का हाकिम आपके जायचे के दसवें घर में दसवें प्लेसमेंट भी उसकी अच्छी नहीं है जुपिटर है यहाँ पे जाके रेट्रोगेट है तो अभी कुछ टाइम आपको इसमें रुकावट का सामना करना पड़ सकता है हाँ दिसंबर के बाद जब जुपिटर स्टैंड बाय हो जाएगा तो फिर आपको इसमें में मामला में जो है वो आ, जो है वो आसानी मिलेगी बाकी परवदिगार की ज़ात जो है वो तो ऐसी करीम है कि कई बार हमने में जैसे मैंने अभी गुफ्तू में कहा कि ये खिलकत है परवदिगार की आपकी दुआ आपके अच्छे अमाल हर चीज़ को जो है वो बाउंड्रीज़ को क्रॉस जो है कर सकते तीसरे घर में वीनस मौजूद है जी आपके और ये वर्गों से निकल के आ चुका है आठ नवंबर को आ तीसरा घर इसका अपना है फिर आपकी ये दसवें घर का भी लॉर्ड है तीसरे घर गर में अगर है तो आपकी गुफ्तु -गु में बहुत ही खूबसूरती आएगी बहन भाइयों के साथ बिलखसूस बहनों के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होता मुझे नज़र आता है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ेंगी इसके अलावा तहरीर तरीर के मामला ऐसे लियोज़ जो कि क्रिएटिव काम कर रहे हैं आ, मिसाल के तौर पे अगर वो को अगर को आ, कोई प्रोड्यूसर हैं अगर कोई राइटर हैं कोई आर्ट से मुतलका काम करते हैं आप आप इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं आप खवातन या बच्चों से रिलेटेड कोई काम करते हो इन मामला में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इन शामयाबियाँ मिलेंगी आ, आपकी कोशिशें जो हैं वो आप कामयाबी से हमकनार होंगी नजदीकी सफ़रों के आपको मौाक़े मिलेंगे कम्युनिकेशन बढ़ेगी स्पेशली आपके कैरी रोज़गार के वाले से चूँकि दसवें घर का भी हाकिम है इसी तरह ख़वातन का अपने बहन भाइयों के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा और अपनी मदर इन लॉ के साथ भी आपका रिलेशन जो है वो बेहतर जो है वो होगा आप ख़तून ख़ाना खा हों या आप ऑफिशल हों कैरी रोज़गार की जगह पे आपको वर्क प्लेस पर आपको जो है नेम फेम भी मिलेगा और स्पेशली वो लोग लियो के मेल फीमेल जो कि तशहिरी कामों में आगे होते हैं यानी जो पब्लिशिंग के काम में हैं चाहे वो इंटरनेट के थ्रू है चाहे वो प्रिंट मीडिया के थ्रू है आपको भी बड़ी कामयाबी मिलेंगी लियो के वो लोग जो कि किसी भी हवाले से ड्रामा थिएटर से रिलेटेड हैं उन अपनी परफॉर्मेंस में इनशाला बड़ी ग्रो देखेंगे आप बेहतरीन डिलीवर कर सकेंगे इमोशंस बहुत ही अच्छे होंगे वंस अगेन कहूँगा ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही आइडियल टाइम है आपका स्पेशली अपने सिबलिंग्स के साथ ये वक्त है अपने रवाबत बढ़ाइए आपको परवरदिगार की तरफ से बड़ी कामयाबियाँ स्मेटने का इन शह जो है वो मौका मिल सकेगा सो uh, so ये थी इस हफ्ते की जो अपडेट्स हैं मजीद कुछ जानना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या इंडिविजुअल आप जानना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर पर रबा करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं वीडियो के बारे में अपनी राय से रोका कीजिएगा कोई सवाल हो जनरल नोयत का यानी जैसे वीडियो के बारे में आपने मैंने आपसे कहा कि बरमिक सफर के लिए भी रास्ते आपके खुले बल्कि शायद मिस हो गया मैं बताता चलो नाइन्थ हाउस का लॉट चुके बहुत अच्छी पोजिशन में है सोसाल करब के साथ रिलेशनशिप जहाँ पे बेहतर होंगे वहीं पे बलोन मुल्क सफ़र की राहें खुलेंगी आप उम्र कर सकते हैं आप जो है वो ज्यारत मकदस पे जा सकते हैं इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना चाहें तो उसमें भी आपको इन शाला इन जो है वो आपके कदम चूमेंगी ये सेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त साइड पर जो है वो आपका रवा दवा है इजाज़त चाहूँगा चैनल पे दोबारा आना चाहें सब्सक्राइब करके बेल बटन जो पुश कर लीजिएगा अस्सलामु मैं हूं शेख ज़बारज़ा जावा आपका अपना एस्ट्रोलॉजर हमद सनाहरबुल इज्जत की दुरूद और सलाम मोहम्मद और अल मोहम्मद पर अल्लाहु अस्सलाम 12 टू 18th नवंबर आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा Virgo उम्मीद करता हूं बफजिल तआला आप खैरियत से होंगे आपका अपना रूलिंग प्लेनेट जो है वो जाएच के चौथे घर में मौजूद है आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपने खानगी मामलत के ऊपर होगा अपने कैरियर के ऊपर होगा और घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली ख़रीदो फरोख्त इस तरफ आप बहुत ज़्यादा जो जा है वो इन्वॉल्व uh, होते नज़र आते हैं स्पेशली uh, चूँकि मरकरी आया है तो जो कुछ खानगी मैटर्स जो थे उनको सुलझाने में ये आपकी मदद जो है वो करेगा uh, विरगो के हवाले से बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आए हुए हैं उनके भी इन शाला जैसे जैसे आता जाएगा मामला में साथ 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 जो है वो जवाब देता जाऊँगा सो यहाँ पर एक सवाल था कि क्या कर्ज़ा लेके प्लाट और फिर कंस्ट्रक्शन करवाना सही है चौथे घर से रिलेटेड है हाँ जहां पे मरकरी मौजूद है जी बिल्कुल आप इस वक्त ये कर सकते हैं लेकिन मैं आपको ये बता दूं लॉन की सिचुएशन दो साल तक, तक तकरीबन आपको थोड़ा सा टाइट रखेगी लेकिन उसके बाद जो है आपकी परेशानी बढ़ेगी सो आपने दो ढाई साल मजीद जो है बढ़ेगी लोन अगर तो आप इस दो साल में ही अदा कर लेंगे तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा फैसला है लेकिन अगर ये मामला आगे चल रहा है चार साल पाँच साल तक तो फिर अगले जो ढाई साल होंगे दो जून से लेके कर ट्वेंटी ट्वेंटी एट तक के ये आपके लिए बहुत ही क्रूशल साबित हो सकते हैं ये तमाम लिए उसके लिए है ये एक जनरल क्वेश्चन है जिसका कि मैंने जवाब दिया आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप इस मामले को समझ सकेंगे हाँ अगर आप दो साल में उसको उतार सकते हैं आप समझते हैं ये आप फिलफुल कर लेंगे यू कैन डू इट आप इसको जो है वो कर सकते हैं मेरी दुआ है परवरिगार आपको अच्छे जो है वो मामला जो है वो हल करने में अच्छा फिर एक और सवाल था घर प्रॉपर्टी के मसाइल बारे तफसील से बताएं। लेकिन मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ फिर मैं आपको बता दूँ चूँकि मैंने खुद कहा ओपन किया आपके लिए प्लेटफॉर्म क्या आप इस पर बात कर सकें चौथे घर का हाकिम जुपिटर रिज़त में है जो कि टिल थर्टी फर्स्ट दिसंबर इस साल के बिल्कुल एंड तक वो रिज़त में ही रहेगा सो ये मसाइल आपके जो हैं गुन गु आपके साथ चलते रहेंगे अलबत् जैसे कि मैंने कहा मरकरी यहाँ पे आए तो ये अब आपको कुछ मसाइल को हल करने में सुलझाने में जो है वो मदद देगा अगर आप ये कहें कि कोई डायलाग होंगे इन मामला में आपका किसी के साथ कोई क्लैश था तो बिल्कुल डायलॉग हो सकते हैं क्लैश हो सकता है मामला सूर्य की तरफ जा सकता है लेकिन आपको जुपिटर का हल जो है वो करना पड़ेगा मैं स्ट्रोंगली कहूंगा अगर आप इन मसाइल का सामना करें अपने आदमी एक येलो सफायर वेयर कीजिए अगर खुदा ना फर्स्ट येलो सफायर वेयर कीजिए और अगर आप खुदा खुदाना खास्ता येलो सफायर वेयर नहीं कर सकते तो फिर आप जर्द अकीक पहन लीजिए ये भी आपके इस मामले को हल करने में परवरदिगार के फजल से आपको जो है वो मदद फ्राहम करेगा जिन में रखिएगा स्टोन बसात ख़ुद कुछ नहीं करता ये लोगों लोग समझते हैं कि जी शिरक हो गया मैंने कहा अल्लाह के फजल से उसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो अल्लाह ताला की अता करते हैं ठीक उसी तरह जैसे आप मेडिसिन लेते हैं दवाई से शिफा शिफा तो अल्लाह ताला देता है डॉक्टर दवाई देता है तो ये इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बल्कि इससे मुझे याद आ गया कि ग्यारह से अठारह तमाम स्टोन्स पर आपके लिए जो है वो फ्लैट ऑफर कुछ लगी है व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके तो उसके बारे में डिटेल मिली ले सकते हैं या सोशल मीडिया के जितने भी पेजेज़ हैं हमारे आप वहाँ पर रबता करके तो या वहाँ पर आप उसको डिटेल जो है वो ले सकते हैं आपको कोई भी स्टोन चाहिए हो ये जो तो येलो सफ़ायर या जरदकीक की बात हो रही है कोई भी स्टोन आपको चाहिए हो या अपनी फैमिली के लिए आप बाई कर सकते हैं उसके बाद अगली चीज़ जो है वो है कमर दक्रब जो कि 11 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा 11 नवंबर की रात को चूँकि स्टार्ट होगा 12 से पहले पहले तो इसको हमने ग्यारह लिखा मैंने पिछली बार भी इसका जिक्र किया था आज फिर कह रहा हूँ आपके ग्यारहवें घर का लॉर्ड है तीसरे घर में जाके जो है हबूत पजीर होगा दोस्तों के साथ किसी किस्म का कोई क्लैश हो सकता है या उनके साथ कोई नजदीकी सफ़र का प्रोग्राम है तो वो पोस्टपोन जो है वो हो सकता है बहन भाई अजीज़ वारब के साथ रिलेशनशिप को बड़ी एहतियात कीजिएगा लाजमी नहीं कि हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए मेरी इस बात को नोट कीजिएगा लाजमी नहीं कि हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक हो और सेकेंड पर्सन जो है वो बिल्कुल आपके ट्रैक पर ही चले आप एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन आपकी अपने घर में तो चल सकती है आप इस किसी के ऊपर इसको मुसलत नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय नहीं है तीसरा घर है बहन भाई हैं तो आपको उनको थोड़ा सा स्पेस देनी पड़ेगी ग्यारहवें घर का लॉर्ड है आपकी ख्वाहिश के अगेंस्ट भी कोई मामला जो है वो सामने आ सकता है दो किलो चावल आटा या दूध का सदका देके इस मामले को कवर कीजिएगा ये आपके लिए बेहतर होगा अपनी ख्वाहिश को दो तीन दिन के लिए थोड़ा सा आ, सुला दें भूल जाएं। आ, ये वक्त गुजार लें और उसके बाद फिर दोबारा आपके लिए हालात जो है वो इन बड़े ही साजगार होते चले जाएँगे इसके बाद अगर दूसरे घर पे हूँ तो वीनस जो कि आपके जाए चक्कर नामे घर का भी लॉर्ड है यहाँ पे अब वीनस आ चुका है आठ नवंबर को है जैसे कि मैंने पिछले हफ़्ते कहा था इससे आपकी माली पोजीशन जो है वो बेहतर होती चली जाएगी आप कुछ शॉपिंग वगैरह भी करते नज़र आ रहे हैं या करती नजर आ रही हैं अपनी जहरी वज़ कता को बेहतर करने के लिए सॉफ्ट स्पोकन भी होंगे आपके मामलत बड़े स्ट्रॉन्ग भी जो है वो चलेंगे बरान मलक सफ़र के लिए राहें जो है वो आपकी खुलेंगी इसके अलावा सोसाइज व करब के साथ रिलेशनशिप आपका जो है वो भी बेहतर होगा एजुकेशन लेना चाहें हायर एजुकेशन के लिए स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहें या जो है वो ज़्यादातः मुकदसा के लिए जाना चाहें या आप जो है उम्र की शादत हासिल करना चाहें तो उसके बेहतरीन मवाक़ आपको जो है इस वक्त मिलते रहेंगे और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम जिसको हम कह सकते हैं बहुत अच्छा टाइम जो है फाइनेंशियल पोजीशन आपकी डे बाय डे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये स्ट्रांग होती चली जाएगी इसके बाद अगली तरफ आऊं तो पाँचवें छठे का हकम जोहल जो है वो जायचे के सातवें घर में और अब ये स्टैंड बाय हो गया जॉब कब मिल सकेगी ये सवाल था जो कि छठे घर से रिलेटेड है तो ये जोहल अब स्टैंड बाय हो गया जी अब आप इनशाला आपको बेहतर जॉब का है वो मुमकिन होगा बच्चों से रिलेटेड मामला भी आपके जो है बेहतर होंगे ये भी सवाल था बच्चों और मुलाजमीन से मामला का बेहतर होंगे तो ये पाँचवें घर आपके बच्चों का छटा जो है वो आपके मुलाजमी का आपकी सेहत का आपकी अपनी जॉब का तो इन तमाम चीज़ों में इनशाला अब बेटरमेंट आएगी असल में चार तारीख़ को सट एंड स्टैंड बाय होते थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए होता है अपनी चीज़ों को डिलीवर क्योंकि ये बहुत ही स्लो स्पीडेड रहा है इवन कि ये ढाई साल में एक बुर्ज को तीस दर्जे को जो है वो कवर करता है तो अब चूँकि इसकी जो डिग्रीज पावर है वो भी बहुत कम है ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री पे इस वक्त मौजूद है जब हम इसको यानी आधा दर्जा अभी सिर्फ वो बुरजुम बुरज हौत में आपको नज़र आएगा तो उसकी स्ट्रेंथ इस वक्त बहुत कम है जैसे जैसे ये स्ट्रेंथ लेता जाएगा ग्रेजुअली आपको जो है जो है वो इसके रिजल्ट्स अच्छे इंशाल्लाह मिलने शुरू हो जाएंगे वंस अगेन कहूँगा आपका जो व, पार्टनर है वो इस हवाले से बहुत अहम आपके से बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच की उम्मीद रखते हैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल जो है वो अप्रोच देनी पड़ेगी आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ या अपने वर्किंग पार्टनर के साथ बड़े ही प्रैक्टिकल अंदाज़ में और बड़ी चीज़ों को मुनोज़ खातर रखते हुए जो है वो आगे बढ़ना इस तरह अपनी लाइफ को इन शाला आप बेटरमेंट की तरफ जो है वो लेके जा सकें और सवाल था कि वृगो होते हुए आपको कौन सा स्टोन पहनना तो वृगो होते हुए आप फिरोज़ा पहन सकते हैं आप जर्द पुखराज पहन सकते हैं आप दकीक पहन सकते हैं ये तीनों स्टोन आपके लिए जो है वो बेहतरीन साथ कामिल होते हैं सबसे फर्स्ट हम कहते हैं येलो सफ़ायर पहने जो कि ये एक पीसीस स्टून है इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसकी पावर ज़्यादा है लेकिन अगर खुदा खास्ता आप अफोर्ड नहीं करते तो आप ज़रदीक पहन लीजिए अच्छी क्वालिटी का स्टोन पहनिए फिरोज़ा पहन लीजिए अच्छी क्वालिटी का पहनिए ताकि आपको बेहतर उसके रिजल्ट मिल सकें और उसके लिए आप हमारी वेबसाइट जावा जम डॉट को विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो रब्ता भी आप कर सकते हैं इसके बाद अगली चीज़ तीसरे घर में आपके एक कंजक्शन हो रही जा रही है सन की और मार्स की सन जो कि आपके जाहिर के है बारहवें घर का लॉर्ड है तीसरे घर में ये कंजक्शन होने जा रही है और मार्स जो कि तीसरे घर का ही लॉर्ड है एक पावर पैक जो है वो तीसरे घर में तीसरा घर आपकी कोशिशें हैं तो अब आप जो कोशिशें करेंगे तेरह तारीख के बाद के मैं बात करूँ उसमें आपको इन शामयाबियाँ मिलेंगी आप नज़दीकी सफरों की तरफ जो है फिर जा सकेंगे बहन भाई जो कर आपके साथ रिलेशनशिप आपका बहुत ही स्ट्रॉग होगा बट ये कहूँगा कि लाशोरी तौर पर अगर आप डिप्रेस्ड हैं किसी भी वजह से तो अपनी गुफ्तु में आपको एहतियात करनी है इतना स्ट्रॉन्ग मत बोलिए चीज़ों को इम्बोज मत कीजिएगा यानी दबाव दे के अपनी बात को मनवाना ये कोई बात नहीं होती जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ऐसा खुदा खास्ता हो सकता है तो कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ दरमिया रास्ते की तरफ रहें अगर आपके लाशौरी तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप आ, करना चाह रहे हैं गुफ्तु करना चाह रहे हैं उसके बारे में तो अपने लहजे को जो है वो बेहतर रखिए अल्फाज मैंने आ, एक जगह बड़ा खूबसूरत पढ़ा था कि अल्फाजों के भी दांत होते हैं और वो काट लेते हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा आपका लहजा जो होता है वो बहुत ही अहम होता है सो so, इसके ऊपर गौर कीजिएगा उम्मीद करता हूँ आप इन मालूम से मुस्तफ़ होंगे तो अपनी दुआ में जरूर याद रखेंगे दसवें काकम भी वही मरकरी है कैरियर रोज़गार के बेहतर मौाक़े मिलेंगे लेकिन इस वक्त आपका जो फोकस होगा कैरियर से कुछ ज़्यादा अपने खान की मामला की तरफ होगा आ, लेकिन इस तरफ भी मामला इन शलेंगे मदर लॉ के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा अगर आप सेपरेट रहते हैं तो जेन में रखें कि आपकी मदर लॉ की तरफ से भी आपके खानगी मामला में कुछ इंटरफरेंस पॉजिटिव जिससे कि आप समझ लेंगे कि उनकी तरफ से कुछ सजेशंस आपकी तरफ जो है वो आ सकते हैं वैसे तो वर्गो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामले में कि भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ना हो लेकिन थोड़ा सा अगर सुन लें तो कोई हर्ज भी नहीं है इजाज़ जाऊँगा कमेंट सेक्शन आपके लिए फिर खुला है आप इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं चैनल पर दोबारा आना चाहें सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा असल हूं शेख जबर जावा आपका अपना स्टॉलोसन नवंबर आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा लिब्रा उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे आपका अपना रूलिंग प्लान आपके फर्स्ट हाउस में आ चुका हुआ है ये आपके लिए एक बड़ी कामयाबी की तरफ जो है पहला कदम होगा वीनस चूंकि आपका अपना साइन लॉर्ड है और मैंने अक्सर अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है कि जब भी किसी पर्सन का अपना जो साइन लॉर्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है या अपने ही साइन में होता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो जस्ट लाइक किंग वो एक बिल्कुल किंग की तरह होता है आप एक एनर्जी एक फोर्स अपने अंदर महसूस करेंगे और वही पुरानी जो आपके अंदर एक वाइब चलती है कि आप गए आपने देखा और आपने फतह कर लिया हर चीज़ में परव अधिकार कामयाबियाँ और आसानी आसानियाँ करना शुरू कर देता है ये वही चीज़ हुआ है वो स्टार्ट हो गई चूंकि ये आपके आठवें घर का भी लॉर्ड है तो पिछले दिनों जो बड़ी डीप थाट्स आपको हुई बारहवें घर में ये डेविलेटेड था अब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन की सेक्शन से जो है वो निकल चुके हैं आठ नवंबर के बाद अब विनस अपनी पोजिशन में बहुत स्ट्रॉग हो चुका है दूसरों से वस्ता आपके मादी मफादार वो अब सिक्योर होने शुरू होंगे अगर आपके कहीं कोई इन्वेस्टमेंट या कोई आपके मफादार फंस चुके हुए थे अब उसके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपकी जो वरास्ती मामलात हैं उसमें बेहतरी आएगी स्पाउस के साथ फिजिकल रिलेशन उसमें भी आपको बेहतरी आएगी नींद से मुतलका आपके मामला वो भी अब इन शहतर होते चले जाएंगे आपने जो पीछे बड़ी ही एक सर्च की अपनी ज़ात के अंदर और आपने ये एनालिसिस किए कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ कहीं आपको क्या क्या करना चाहिए था और क्या क्या आप नहीं कर सके अब आप उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस्ड हो जाएंगे यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा आपको जो है वो बेनिफिट मिलना जाएगा माशरे में जो बहुत ही सेटल्ड लोग हैं यानी जिसको हम कहते हैं माशरे की क्रीम है आ, उनसे आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा आपकी पर्सनालिटी में एक अनसीन किस्म की जो है वो अट्रैक्शन वो डेवलप होना स्टार्ट होगी और इन अगले दिनों में आप इसमें बहुत ज़्यादा मजीद बेहतरियाँ जो है वो देख सकेंगे सेकेंड पार्ट में आपके सन मौजूद है जो कि आपके ग्यारहवें घर का लॉर्ड है और ये अब अपनी आखिरी डिग्रीज की तरफ जो है वो चल रहा है आपकी जो ख्वाहिशात थी फाइनेंस से रिलेटेड वो काफ़ी हद तक जो है वो पूरी हो चुकी मजीद इस हफ्ते जो है वो इन पूरी होंगी और आप समझ लीजिए कि ट्वेंटी तक का टाइम है जब आप इन चीज़ों को बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो कवर कर सकते हैं दूसरे घर का हकम मरीख भी यहीं पे मौजूद हैसानिया पर मौजूद है, है गवर्नमेंट सेक्टर से आपको अच्छी बेनिफिट जो है वो मिल सकेंगे आ, इसके अलावा जो आपके दोस्त अहबाब हैं फाइनेंशियल हवाले से वो भी आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं या आपकी ख्वाहिश की तकमील के लिए अब आपको फाइनेंस जो है वो एकमुलेट होंगी और आप अपने जो फिनेंस रिलेटेड मामला हैं उसको बहुत बेहतर अंदाज में जो है वो आगे लेके चल सकेंगे मार चुकी यहीं पर मौजूद है तो ये मजीद आपको बेहतरी होगी इसके अलावा अगर आप शाकदारी में काम कर रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेंगे आ, आपका श्रीक हयात या श्रीकार कार वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉग करने में भी एक और मदद देगा लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि सन स्पेशली और उसके बाद मार्स मार्स अगर दूसरे घर में होता है तो जहाँ पर ये पैसे ले आ रहा है वहीं पर इसकी उतनी ही तेज़ी के साथ अखराज भी होते चले जाएंगे अच्छी चीज़ ये है कि सन यहाँ से गुजर जाना है और मार्स अभी यहाँ पे होगा जो इसके बाद आपको कुछ चीज़ें जो है वो सिक्योर करने में भी इंशाल्ला, इंशाल्ला मदद देगा चूँकि सन आपके ग्यारहवें घर का लॉर्ड है सो आप अपने कोई जो दरीना गोल्स हैं जो टारगेट्स हैं उनको आप पूरा कर सकेंगे ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी आपकी और गवर्नमेंट सेक्टर से स्पेशली आपके वालिद से या वालिद की एज के लोग जो हैं उनसे आपको बेहतर जो है वो रिस्पांस मिल सकेगा अब अगली तरफ मैं अगर चलूँ तो आ, मरकरी तीसरे घर में मौजूद है मरकरी जो बारहवें घर का लॉर्ड था आ, है बल्कि सॉरी और नौवें घर का भी लॉर्ड है आपके तो ये बता रहा है कि आप अपनी कोशिशों को बढ़ा रहे हैं लाशोरी तौर पे जो पिछले दिनों में वीनस बारहवें घर में था तो आपने बहुत कुछ जो सेटलमेंट किया वो उसकी वजह से अब आप जो है इसको आगे लेके चलेंगे और मर्जी तीसरे घर में आएगा तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपकी बहुत बढ़ जाएगी आप स्पेशली जो चीज़ें डिलीवर करना चाह रहे हैं या जो कम्युनिकेशन के हवाले से जो मामला को आप ले आगे लेके चलना चाह रहे हैं उसमें आपको कामयाबियाँ मिलेंगी बहन भाई अजीज़ अजीज़ोकार के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा कई एक नज़दीकी सफ़र आपके जो है वो अब स्टार्ट हो जाएंगे और इसी हफ्ते में वीनस और मरकरी की जो है वो ट्राइन सॉरी सेक्सटाइल है ये और ये भी आपको फ़ायदा देगी आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से जो है वो डिलीवर कर सकेंगे आप जो कुछ लोगों को कहना चाह रहे हैं जो समझाना चाह रहे हैं उसमें आप जो है वो इन कामयाब होंगे नज़दीकी और मुल्क दोनों सफ़र आपके बेहतरीन बहन भाई अजिज़ोकार अब अपने सिबलिंग के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा इसी तरह सुसराली बहन भाई सुसराली जुकार उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा आ, लिब्रा के वो लोग जो कि एजुकेशन जो है वो ले रहे हैं अगर आप बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं उसमें आपको कामयाबियां मिलेंगी फोकस्ड होंगे और अपनी कोशिशों को आगे बढ़ा सकेंगे आप बेहतर कम्युनिकेट कर सकेंगे और अगर आप हायर एजुकेशन या स्पेशलाइजेशन करना कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेंगी उस हवाले से आप अपनी जस्तजू को अपनी सर्च को इसको भी बढ़ा रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा टाइम जो है वो आपके लिए होगा बरबुन मलक सफ़र करना चाहें या आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहें तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी या उसके हवाले से भी आपको इन आगे तरक्की की इन मिलती हुई नज़र आती है ये बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है कि एट द वन गो में चार प्लानट इस वक्त जो है वो आपको भरपूर फ़ायदा दे रहे हैं चौथे पाँचवें घर का हाकिम सारा जो है वो आपके जाए के छठे घर में मौजूद है और इसके छठे घर में मौजूद ये रेट्रोगेट भी था फैमिली से घर से सवारी से प्रॉपर्टी तब्दीली खरीदो फरोख्त के जो मामलात हैं और प्लूटो भी वहीं पर नेगेटिव था दोनों अपस्टैंड बाय हो चुके हैं इस तरह आपके मामला में कदर बेहतरी जो है वो आपको मिलेगी मेरे पास बहुत सारे सवाल थे लिब्रा के हवाले से भी का वीडियो में मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा इस वक्त जो दो सवाल इस सेक्शन से मुतलक हैं कि जॉब स्विच करना कब बेहतर है हेल्थ इश्यूज उसके बारे में ही बात करेंगे बच्चों से मतलब मामलात या आपकी लव लाइफ या ये ये चीज़ें कब बेहतर होंगी तो आपकी जॉब स्विच करना अभी आपके लिए फिफ्टी परसेंट बेहतर है चूँकि छठे का हाकिम जुपिटर अभी भी जो है वो आपका आठवें घर में जो है वो रेट्रोगेट है तो मैं स्ट्रॉगली कहूँगा कि आप ये 31 दिसंबर के बाद अगले साल में जाके अगर कोई स्टेप लें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा दूसरी बात बच्चों से मुतलका मामला कब बेहतर होंगे तो ये आपके कदरे बेहतर हुए होंगे चूँकि सेक्टर एट्रोगेट से निकला लेकिन चूँकि पाँचवें का लॉर्ड होते हुए छठे घर में तो आप इसको हंड्रेड परसेंट नहीं कहते अभी भी आपके बच्चे जो हैं वो आपके आ, आ, साथ कोई अपोजिशन का रोल जो है वो प्ले कर सकते ठीक उसी तरह जिस तरह फैमिली से भी आपको अभी भी कुछ अपोजिशन जो है फेस करनी पड़ेगी ये अपोजिशन और ये मामला आपको दो जून तक जो है वो फेस करने हैं सो so, इसके लिए मेंटली तैयार हूँ हर हफ्ते 800 ग्राम काले माच का सदका देके इन मामला को कवर कीजिए आपकी लव लाइफ़ में भी कुछ मुझे बेटरमेंट अभी भी आ, पूरी तरह नज़र नहीं आ रही थोड़ा ऐसा उसका जो है वो बेहतर हुआ मैंने जैसे आपके लिए जो है वो कहा था जॉब के लिए कब जा सकें देखें बरून मलिक सफ़र तो आपका खुल गया लेकिन अगर आप स्पेसिफ़िकली जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपको दिसंबर के बाद जो है ऐसा कोई भी स्टेप जो है वो लेना चाहिए राइट नो आपके लिए ये बेहतर नहीं है कमर तो अकब है ग्यारह नवंबर को ये आपके जाएचे के। दसवें घर का लॉर्ड है जो दूसरे घर में जाके जो है वो डेबिलिटेड हो जाएगा तो ग्यारह बारह तेरह कारोबारी लिहाज से कुछ बहुत अच्छे दिन आपके नहीं होंगे आपको जो रिकवरीज हैं जो दूसरे मामला हैं, उसमें डिले का सामना होगा अगर आप कुछ स्टेप लेना चाहते हैं तो ये उसकी बिगनिंग के लिए अच्छा नहीं है जो आपके पहले से मामला चल रहे हैं उनको कदरे आपको स्लो करना होगा और आपको जहनी तौर पर तैयार रहना होगा कि भाई ये यहाँ से अगर कमिटमेंट्स फ़िलफुल नहीं हो रही तो इट्स ओके चूँकि कमर रकब जो है वो अपना इम्पेक्ट देता है दो किलो चावल आटा या दूध का सद्का दे के इस इम्पैक्ट को जो है वो आप कवर कर सकते हैं अगर आपको कुदरत ने ज़्यादा दिया है तो आप इसको ट्वेंटी के जी तक जो है वो लेके जा सकते हैं तीसरी बात अहम तरीन ग्यारह बारह तेरह बड़े माली लेन देन से आपको कथई तौर पे गुरेज करना है स्पेशली अपने कैरियर अपने रोज़गार के मामलों के हवाले से सीनियर के साथ भी कुछ क्लेशज आपके सामने आ सकते हैं मदर लॉ के साथ कुछ इख्त इसी जूदेशन में आपके सामने जो है खुदा नखास्त आ सकते हैं एहतियात करें यह आपके लिए बेहतर है अट्ठारह नवंबर को सन और मार्स की कंजक्शन होगी आपके जायचे के दूसरे पार्ट में ये समझ लीजिए ये कुदरत की तरफ से आपको एक बूस्टर और एक पावर पैक जो है ये मिल रहा है ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन साबित हो सकता है आपकी फाइनेंस के हवाले से आपकी ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से आप पूरे डिटर्मेंट होंगे और इस वक्त अगर आप फोकस कर लें तेरह के बाद क्योंकि तेरह तक तो कमर दर रकब मून यहाँ पे डेबिलेटेड होगा तेरह के बाद तेरह से अठारह अगर आप इसको फोकस कर लें बल्कि मैं आपको ट्वेंटी तक कहूँगा तो आप बड़ी कामयाबियाँ बड़ी कामयाबी इन समेटने में कामयाब हो जाएंगे परवरदिकार आपका हामीनासर मुझसे ये भी पूछा गया था कि ताले का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ अक्सर लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है और अच्छा अक्सर लोग ये भी पूछ रहे होते हैं हमसे कि ये वीडियो आप असेंडेंट यानी ताले से बता रहे हैं सन से बता रहे हैं मून से देखें बहुत सिंपल है अगर आप समझें तो मैं कह रहा हूं कि सन इस वक्त आपके जायचे के इतने पार्ट में है तो और मैं उसकी बुझ भी बता रहा हूँ तो बड़ा सिंपल पता चल जाता है कि जी आपके सन साइन से है अच्छा असेंडेंट आपका क्या होता है और ताले क्या है मिसाल के तौर पे जब हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर में जबकि जोहरा का ही यानी लिब्रा का ही दौर जो चल रहा है तो हमें जब मशरकी उफक पे सुबह तुलू होता है तो वो बुर्ज मिजान में होता है ये एक कुदरत का असूल है ठीक है अब जैसे जैसे वक्त बदलेगा सूरज जो है वो चलते चलते यहां तक आ जाएगा मिसाल के तौर पे दोपहर को यहां पे वो आ गया अब एक्चुअली सूर्य तो नहीं चल रहा सूर्य तो वहीं पे मौजूद है बुर्ज मिजान में मौजूद है उसने तो तीस दिन वहां पे रहना है तो चेंज क्या हो रहा है आपकी जमीन रोटेट कर रही है तो जब आपकी जमीन रोटेट कर रही है तो फिर मीजान अगर यहां पर आ गया तो फिर अक्रब कौस और जद्दी दोपहर के करीब आपको यहाँ पे जो है वो जद्दी मिलेगा तो ये है ताले तलु मशरक असेंडेंट इसको कहते हैं तो आप जिस टाइम के हिसाब से पैदा होते हैं उसमें दो घंटे का कुछ प्लस माइनस के साथ टाइम होता है कभी पौने दो का कभी दो का तो ये जो आपके गुररूब है उसके साथ ये चेंज होता है तो आपके वक्त पर जब आप पैदा हो उसको कहते हैं तुलु ताले और सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट होते हैं किसी भी पर्सनालिटी पर वो होते हैं ताले के लेकिन वो पता उस वक्त चल सकता है जब आपको अपना सही टाइम ऑफ बर्थ पता हो जो कि हमारे पाकिस्तान में 90 परसेंट लोगों को नहीं पता तो आपको क्या करना है सन तो कंफर्म है ना कि आपका लिब्रा में है तो आपको सन साइन से फिर जो है प्रोडिक्शन लेनी भी है और देनी भी है हाँ अगर आपको हंड्रेड परसेंट अपने टाइम ऑफ बर्थ का पता है तो फिर आप ताले को कंसिडर ज़रूर कीजिए उससे आपको पता चलेगा कि बर्थ टाइम आप क्या लेके आए और उसकी बेहतरीन जो अफादियत है या उसका बेहतरीन जो मसरफ है वो बर्थ चार्ट से है सो so, आप अपने पद से उसके बारे में पूरी डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं आ, हमारी वेबसाइट जावा पे डॉट कॉम पर जो है 11 से 18 तमाम स्टोन्स के ऊपर जो है आपको डिस्काउंट ऑफर किया गया इस ऑफर से जो है आप मुस्तफी हो सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी डिटेल ले लीजिए या सोशल मीडिया पे जो है पेजेस पे हमें फॉलो करके आप डिटेल ले सकते हैं वन सकिन कहूँगा आपका अपना चैनल है आपने जैसे आज सवाल पूछे और आपको जवाब मिले आप मजीद भी अगर जनरल इंडिविजुअल के मैं माजर चाहूँगा इंडिविजुअल हम यहाँ पे हर बंदे को सर्व नहीं कर सकते और वो प्रोफेशनल सर्विस हैं आपको व्हाट्सअप नंबर पे टाइम लेके अपना चार्ट जो है वो बनवा के उसको स्टडी करना पड़ता है फिर आपको जो है वो गाइडलाइन मिलती है तो फिर आपको उस तरफ जाना है अलबा जनरल सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं चैनल पर दोबारा आना चाहें सब्सक्राइब करके बेल बटन से पुष्ट कर लें

आपका अपना रूलिंग प्लेनेट सबसे पहले इस पे बात करना चाहूँगा फर्स्ट हाउस में मौजूद है और आपको बहुत ही बोल्ड और ब्रेव जो है वो बना रहे हैं स्ट्रोंग विल और सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो है आपकी जो इनर सेटिस्फैक्शन है जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस वो एक बहुत ही बड़ी अमेर रखता है मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जब आपका अपना रूलिंग प्लानट स्ट्रॉग होता है तो उसके इम्पैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं फिर दूसरा और जो एक काम हुआ है वो है कि सन आपके जाए के फर्स्ट हाउस में मौजूद है यहाँ पर मौजूद है तो यह आपकी इज़्ज़त वकार में इजाफा कर रहा है आपकी सोल को वो प्रपेयर कर रहा है आप अपनी एनमीज़ को डिफ़ीट करने में कामयाब होंगे और जिसको हम कहते हैं इज्जत वकार वो इनशाला परवदिगार के फजल से आपको मिल सकेगी ये आपके दसवें घर का लॉर्ड है तो इसका तल्लुक़ आपके ससुराल फैमिली से हो सकता है या आपके कैरियर आपके रोज़गार से यहाँ पे बड़े फ़ायद मिलेंगे वालिद के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे बदर लॉ के साथ सीनियर्स के साथ आपकी वालद की एज के जो लोग हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर रहता मुझे नज़र आता है गवर्नमेंट सेक्टर से बड़े फ़ायद आपको मिल सकते हैं स्पेशली अगर आप इस वक्त कोई आ, जो है वो ट्रांसफ़र लेना चाहें तो उसका भी आपके लिए चांसेस मौजूद हैं इसके अलावा आपको कोई ऐसे आ, काम मिल सकते हैं जिसमें पावर अथॉरिटी आपके पास हो और नए प्रोजेक्ट्स आपके हवाले जो है वो भी किए जा सकते हैं आ, जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए बेनिफिट मैंने आपको बताया आपकी मदर इन लॉ के साथ आपके वालद के साथ आपका रिलेशनशिप आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत चीज़ों को कवर करने में जो है वो आपको मदद देगा फिर मैंने ये भी बताया था कि वीनस राइट के बारहवें घर में जा चुका है अपना बुज है इसका आपके सातवें घर का लॉर्ड है शादी दवा जी मामला बेहतर होंगे बेडरूम लाइफ आपकी बेहतर होगी नींद के मामला बेहतर होंगे आप कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना पसंद करोगे हालांकि यहाँ पे एक पूरा पावर पैक भी आपके पास है लेकिन ये भी होगा साथ साथ ही अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये वीनस जो है वो सन और मार्स को बीट कर देगा लेकिन इस तरफ भी आपका रुझान जाए वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा इमिग्रेशन के असूल के लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए अच्छा टाइम है लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको ग्यारह बारह तेरह जो है इससे बचना होगा चूँकि नामे घर का हाकिम आपके फर्स्ट हाउस में जो है वो डेबिलेटेड होगा इस तरह आपके बैलमलिक सफ़र की राहें जो है वो कुछ मजदूर होंगी तेरह के बाद जबकि मून सेजिटेरियस में चला जाए तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप वीज़ा वगैरह अप्लाई करें और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मिल सकता स्पेशली स्पाउस वीज़ा अगर आप हायर एजुकेशन के लिए स्पेशलाइजेशन के लिए भी करना चाहते हैं आ, तो भी या उम्र की शादत हासिल करना चाहते हैं ज़्यादातर मुकदसा पे जाना चाहते हैं तो भी आपको ते, तेरह तारीख के बाद यानी चौदह पंद्रह से जो है इस तरफ जानना आपके लिए बेहतर होगा मरकरी जो कि आपके जाहिर के दूसरे पार्ट में मौजूद है ये आपके जाहिर के आठवें घर का भी लॉर्ड है ग्यारहवें घर का भी लॉर्ड है आप अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कुछ अखराज भी करते नज़र आते हैं आप अपने गोल्स अचीव कर सकेंगे और फाइनेंशियल मामला आपके इन शाह इन शाह बेहतर मुझे रहते नज़र आते हैं दो सहबाब से पूरा ताउन आपको मिल सकेगा आप बड़े डिटर्मेंट होंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए गुफ्तगु में भी बेहती है कि बेहतरीन पॉलिस से आप अपनी फाइनेसिस को जो है वो मैनेज जो है वो कर सकेंगे यहाँ से मैं अगली तरफ चलूँ तो बल्कि मैं कमरदर अक्रब का सदका आपको बताना भूल गया दो किलो चावल आटा या दूध का सदका दे के आप इस मामले को बेहतर कर सकते हैं और एक चीज़ मजीद बताता चलूँ सुरब के साथ स्पेशली अपने सुसाल सिबलिंग्स के साथ जो है जो कि आपसे छोटे एज में उनके साथ किसी भी किस्म के इतना से आपको ग्यारह बारह तेरह जो है वो ग्रेज़ करना चाहिए आपके तीसरे चौथे घर का हाकिम साइटे के, के पांचवें घर में, में जाके अब ये स्टैंड बाय हो चुका है ये आपके लिए जो है वो काफ़ी बेहतर जो है वो मौजूद है बहन भाई जो कर आपके साथ बेहतरी आएगी बेसिक एजुकेशन में बेहतरी मिलेगी नजीकी सफर बेहतर होंगे आप अपनी कोशिशों में कामयाब होंगे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो है वो भी बेहतर होंगी घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली खरीद फरोश्त के आपको बेहतर मौाक़ आप जो है वो मिल सकेंगे क्योंकि चौथे का लॉर्ड एक स्टेप आगे है और अब रेटोग्रेड से भी जो है ये निकल चुका है स्टैंड बाय हो चुका है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा अब आपके लिए मामला काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होंगे घर में आप जो है वो कंफर्ट जोन में इंशाल्लाह जाएंगे बच्चों से रिलेटेड मामला भी आपके जो है वो काफ़ी बेहतर रहते हैं मुझे नज़र आते हैं मंगनी तय पाने के इम्कान बहर अभी भी कुछ आपके थोड़े से मसदूद होंगे चूंकि पाँचवें कहा कम सातवें घर में जो है ये रिजत पजीर है पिछली जो मैंने स्कॉर्पियो की वीडियो की थी तो उसके नीचे कमेंट्स थे शादीशुदा जिंदगी कैसी थी मुखलिफ लोगों के थे लेकिन एक ही शोबे से मुतलक थे शादी कब हो सकती है तलाक के कितने इम्कान मौजूद हैं देखें तलाक के इम्कान बहुत ज्यादा आपके मौजूद थे थे अब उस तरह से नहीं है चूंकि वीनस जो है वो बेहतर हो गया सो इस मामले में जो है वो आपको बेहतरी महसूस होगी लेकिन मैं आपको कि ये इतना अहम सवाल है कि आपको इसको जनरल की बजाय इंडिविजुअल की तरफ जाना चाहिए क्योंकि तो हर बंदे का जायचा एक अलग है आपकी पैदाइश के वक्त आपके जायचे के सातवें आठवें की पहले की पोजिशन क्या है ये आपके जायचा तय करता है इंडिविजुअल जो आपका अपना हो सो बेहतर है व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें लेकिन जनरल में बताता चलूँ कि ये मामला कदरे जो है वो बेहतर हो गया शादी से शुदा ज़िंदगी आपकी कैसी रहेगी देखें उसमें कुछ मिले जुले इम्पेक्ट हैं चूँकि सातवें घर में जुपिटर जो है वो रेट्रोगेट है जुपिटर जो कि एग्जैक्टली आपके दूसरे और पाँचवें घर का लॉर्ड है तो ये मामला और स्पेशली उनकी आ, मामला जो है वो डिस्टर्ब होंगे जो किसी भी तरह से अपने स्पाउस के अलावा भी किसी के साथ जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप में है उनके मामला जो है वो ओपन होकर तो ये मामला खराबी की तरफ आपके जा सकते हैं अदरवाइज़ अब मामला जो है वो बेटी की तरफ जागे शादी कब हो सकती है देखिए दो चीज़ें हैं ये भी आपके बार चार्ट से ही पता चलता है वीनस सातवें का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है अगर हम निकाह की तरफ तो जाना चाहें आप जा सकते हैं लेकिन ये बता दूं कि पांचवें का लॉर्ड अच्छा नहीं है एंगेजमेंट वाला कोई सिलसिला आपका अभी जो है वो बनना बड़ा मुश्किल है So, ये चीज भी आपके सामने मैंने रख दी तीनों एक ही चीज से मुतलका सवाल थे जो कि मैंने आपको गाइड किया 18 नवंबर को सन और मास जो है ये दोनों इकट्ठे होंगे और ये वो वक्त होगा जब मून यहाँ से जो है वो जा चुका होगा अब यहाँ पे इसका जो पावर पैक है वो आपके कैरियर रोजगार के हवाले से एक बूस्टर जो है वो आपको मिल सकता है आप किसी बड़े टारगेट के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो है वो नॉमिनेट भी हो सकते हैं और अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो परवरदिगार इज़्ज़ वकार से नवाजेगा बड़ी कामयाबियाँ आप यहाँ पर जो है वो समेट सकेंगे और ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम होगा आप बहुत ही बोल्ड ब्रेव होंगे आपकी फतवाहा का सिलसिला जो इसकी एनर्जी जो पावर है वो बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेगा आपकी फतवाहा का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा और नए कामों की बिगनिंग के लिए अपने स्पेशली कैरियर रोजगार के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है सीनियर के साथ मीटअप करने के लिए उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आइडियल टाइम जो है वो आपके पास होगा आ, हमारे आ, इस चैनल पे हमारी वेबसाइट पे जो है तमाम स्टोन्स के हवाले से जो है ऑफ़र लग चुकी है 11 से 18 जैसे कि हमने पिछले हफ्ते कोरल जो कि आपका अपना आ, स्टोन है उसके ऊपर भी आपको ऑफर दी वंस अगेन आप तमाम स्टोन्स के ऊपर जो है वो आपके लिए ऑफर मौजूद है बारह से अठारह अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अगर आप देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट जावा जम डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप अपने लिए स्टोन जो है वो ले सकते हैं आ, ठीक इसी तरह मैंने बहुत जो चीज़ें बताता हूँ मैंने आपको बता दूँ कि ये जर्नल होती हैं इंडिविजुअल इस बात पे डिपेंड कर रहा होता है कि पैदाइश के वक़्त आप दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो आपके प्लैनेट्स की पोजिशन क्या थी कितनी बेहतर थी कितनी कमज़ोर थी कई लोग हमने ये देखा कि वो कहते हैं कि जी आप जो बातें बताते हो हंड्रेड परसेंट हमारे साथ मैच करती हैं कुछ लोग कहते हैं जी फिफ्टी परसेंट कुछ लोग कहते हैं जी नहीं मैच करती वजह वही होती है कई लोगों ने हमने यही देखा कि उन्होंने कहा जी जो आप जितनी अच्छी बातें बताते हैं वो तो हमें कम मिलती हैं बुरी जितनी बताते हैं वो सारी मिल जाती हैं वो सारी क्यों मिल जाती हैं? अब बताने वाला तो वही है अच्छी कम क्यों मिलती है इसलिए कि एट द बर्थ टाइम आपके प्लैनेट्स की पोजीशन कमज़ोर है और वो भी लोग हैं कि हम बता रहे होते हैं कि आपको खुदा न खास नुकसान हो सकता है और उनको किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता एट द बर्थ टाइम प्लान की स्ट्रॉग पोजिशन जैसे कि अभी मार्स और आ, सन की बनी हुई है आपके जायचे में तो ये वो फार्मेशन होती हैं प्लैनेट्स की जो ये तय करती हैं कि आपकी इंडिविजुअल लाइफ किस तरह की होगी इसके बारे में जानना चाहें तो भी व्हाट्सएप नंबर पर रबा करके तो आप अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या आपका अपना चैनल है कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर किया करें और अपनी दुआ में याद रखा करें जनरल अगर कोई आप सवाल करना चाहें चूंकि इंडिविजुअल एक एक फर्द का यहाँ पर बात करना तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होता तो आप सवाल जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोबारा चैनल पर आना चाहें सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा